हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने वाली हूँ मटर पुलाव। दो आलू लिए हैं, एक गाजर ली है, दो हरी मिर्च हैं, दो टमाटर हैं, एक कटोरी मटर के दाने हैं, और दो टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, एक टीस्पून गरम मसाला है और नमक टेस्ट पाउडर। चलिए अब हम बनाने वाले हैं मटर पुलाव। तो गाइस, जब मैं बना रही हूँ वो बहुत टेस्टी और बहुत इजी तरीके से बनता है। आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। थैंक यू। यहाँ की अदरक लहसुन हम ज़रा थोड़ा सा भून लें, उसके बाद थोड़ी सी देर में हम ये सब सब्जी उसमें डाल देंगे, टेबल डाल देंगे। गाजर डाल दी, आलू डाल दी, मिर्च डाल दी, टमाटर और ये मटर के दाने। सब्जियां भून लें हम 5 मिनट, उसके बाद पानी डालेंगे। जब जाएगा उबाल आ जाएगा तो हम इसमें चावल डालेंगे। हमने गिलास से नाप के लिए है 1.5 गिलास चावल, 1 और आधा, उस हिसाब से हमने पानी डाल दिया। ये पानी उबाल आ चुका है, अब हम इसमें चावल डालेंगे। ये मटर पुलाव से खाने के लिए स्पाइसी चटनी, धनिया, टमाटर, हरी टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च, लहसुन। तो ये हमारा मटर पुलाव तैयार है, और इसको चेक करके देखिए, टेस्ट करके देखिए, बहुत शानदार है। और आप मुझे सबसे ज़्यादा लाइक किए करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।